तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी आप बोल सकते हैं कि यू नो आई एम अ फ्रेशर टू दिस फील्ड, ओके बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज मैं जस्ट यही बोल सकता हूँ कि एज अ फ्रेशर आज तक मैं सुनते आया हूँ यू नो फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि दे हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, कभी यू नो रॉन्ग एजेंट्स के हाथ, कभी यू नो गलत एडवाइजरीज के हाथ। आई वॉज लकी एनफ कि मैं बहुत कम टाइम में यू नो आई फॉल इन टू द राइट हैंड्स अपने साहू सर, इज वन ऑफ द बेस्ट। ये आपको एडवाइस नहीं देंगे कि क्या स्टॉक करना है क्या नहीं, बट ही विल टीच यू हाउ टू यू नो बिकम एन एडवाइजर। आई वुड से रादर ही विल टीच यू द राइट वे, या किस तरीके से हम लोग को एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, किस तरीके से ट्रेडिंग करना। ही सिंपली आपका जो मिथ होता है स्टॉक मार्केट का कि यू नो इट्स अ गैम्बल, इट्स अ लक, ये चीज आपका टोटली दूर हो जाएगा अपने अटेंडिंग इस सेशन। मैं सिर्फ एक चीज समझाऊं कि जो आज की जो कहावत थी नॉलेज इज पावर, तर का सेशन अटेंड करने के बाद मैं इस कहावत पर बिलीव कर रहा हूं। गाइस डू अटेंड दिस सेशन इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन स्टॉक मार्केट, नहीं तो इधर उधर आप घूमते ही रह जाएंगे और फिर से कहावत ही रह जाएंगे। थैंक यू साहू सर, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर ट्रेमेंडस नॉलेज। थैंक यू लव जी, थैंक यू लव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वंडरफुल फीडबैक। जी सर बताएं। हेलो, माई सेल्फ राकेश गर्ग, जी राकेश जी। मैं आई एम टोटली फ्रेश। आई वाज इन्वेस्टिंग प्रीवियसली सिंस फ्रॉम माई सेविंग, माई पोर्टफोलियो इज देयर, बट आई वाज नॉट इन इंट्राडे ट्रांजेक्शन। ओके नाउ फ्रॉम द लास्ट 7 days आई एम अर्निंग ए लॉट, डेली डेली अर्निंग। आई इम्प्लीमेंट द टोटली एडवाइस एंड ऑल द वर्ड देयर, आई एम गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन, एंड नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट आई शेल एबल टू बी ए गुड ट्रेडर्स इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच सर। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे राकेश जी? एक्चुअली दैट स्ट्रेटजी एंड हाउ यू टेल अस हाउ टू सी द पिक्चर, देखिए आई प्रीवियसली बट वी आर सीइंग दैट द उल्टा देखते थे हमेशा, जो रेट बढ़ जाते थे स्टॉक के तब मैं परचेज करता था, जबकि अब हमें समझ में आया है कि लो पे परचेज करना है और जब हाई हो सेल कर दो। डोंट कीप द इमोशंस, अपना कंट्रोल पे रखो और टेक एनफ प्रॉफिट। वैल्यू क्या था, मैं 4-5 पॉइंट मिले उसके बाद मैं निकल जाता था, कंट्रोल नहीं होते थे अपने इमोशंस। कंट्रोल तो आपसे बातचीत करके मेरे को ये भी एक बहुत बड़ा आज मैंने देखा, और आज मैंने पूरा मतलब 20 पॉइंट अर्न किए 20 पॉइंट वेरी लगा के। ओके ओके सो दैट इज हैपेंड ओनली विद योर एडवाइस एंड गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। तो राकेश जी आपको इस फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस है टोटल? टोटल तो मैं यानी जो 93 से लगा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करके, मेरे पास अभी तक जितने भी थे अभी मैं रिटायर हुआ हूँ तो मैं उनको अभी रिडीमेड करवाए हैं। पहले तो मेरे पास तो पेपर पड़े थे, हर बार मैं मतलब जो भी सरप्लस होता था वो इन्वेस्ट कर देता था। आई परचेज द स्टॉक ऑफ रिलायंस एट द रेट ऑफ 140 लाइक दैट लेइंग विद मी। वाओ वेरी नाइस। रिलायंस और मेरे पास जैसे HDFC आई परचेज एट द रेट ऑफ तो 96 में हमें मिले थे ना जो 10 रुपए में, और उसके बाद 22 रुपए में मैंने परचेज किया। अरे वाह। ओके और उसके बाद मैंने अब भी परचेज किया, 2200 रुपए में परचेज किया। ओह ग्रेट, वेरी नाइस सर। तो आई एम कीपिंग इट विद यू। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू राकेश जी। इट्स माई प्लेजर कि आप इतने एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग के फील्ड में, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से आप सर वो कर रहे हो, जब हमें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था। और सर यही खासियत है, पता है हम कहते हैं ना सर रिटायरमेंट हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जो समझदार है ना सर वो सीखने का सोचेगा, वो एज नहीं देखेगा कि यार अब तो मैं इतना हो गया पैसा कमा रहा हूँ क्यों सीखूँ, या पैसा गंवा रहा हूँ क्यों सीखूँ, कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर उसके अंदर सीखने का वो है, सीखने का करंट है, तो वो सीखेगा। और देखो इतने साल सर ने एक एक्सपीरियंस गाए जो मतलब 96 से ट्रेड कर रहे हैं, और 96 से ट्रेड जो इन्वेस्टिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने पैसा बनाया। आज खुद उन्होंने HDFC के शेयर्स भी 2200 रुपये पे लिए। बट इम्पॉर्टेंट इज इन्वेस्टिंग के दुनिया में वो ऑलमोस्ट एक बहुत पावरफुल बब्बर शेयर है इस मार्केट के। बट उन्हें आज की डेट में एक इंट्राडे भी आना था कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूं तो एज अ पार्ट टाइम में एक इंट्राडे भी कुछ 1-2 घंटे लगा के पैसा कमा लूं तो वो भी मेरा वेल एनफ है। और उन्होंने आज भी सीखने की कैपेसिटी करी, और आज आपने खुद सुना 20-22 पॉइंट का टारगेट अब वो मिनिमम लेते हैं इजिली छोटे से एसएल के साथ।
सो दिस इज ब्यूटी इन आवर क्लास, दिस इज ब्यूटी इन आवर क्लास कि टॉप पे सिर्फ ठोको, लो पे सिर्फ बाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कौन सा टॉप कौन सा लो वो सिर्फ क्लास अटेंड करोगे तभी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू, वंडरफुल स्पीच, थैंक यू। या सर नवीन यार, या नवीन सर, सर लाइक मैं 1 month से स्टॉक मार्केट में हूँ, अभी ग्रेजुएशन फिनिश किया। तो लाइक पहले मुझे तो ये गलत चीज पढ़ाई थी कि हाई पे बाई करते रहना चाहिए, लो पे सेल करते रहना चाहिए, फॉलो द ट्रेंड फॉलो द ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक चीज पता चला कि एक लो पे कैसे बाई करते हैं, कैसे बड़े लोग बाहर से बाई करते हैं, और हाई पे कैसे लोग सेल करते हैं। इतने साल जो लाइक अभी मैंने नोटिस करा स्टार्ट किया कि कैसे चैनल से सब गलत चीज पढ़ाते हैं, तो आपने एक कॉन्फिडेंस दे दिया है जिससे कि हम लो पे भी कॉन्फिडेंटली बाई कर सकते हैं। पहले किसी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि लो पे बाई करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। नहीं सर एक्चुअली अभी अभी मैंने एंट्री ली, तो लाइक 3 months से यूट्यूब में जनरली डालता हूँ स्टॉक मार्केट ये वो सब, तो लोग बोलते हैं लाइक सुन के अच्छा लगता है लेकिन जब अप्लाई करता हूँ कुछ समय में आता नहीं है, लाइक हमेशा उल्टा ही होता था, उल्टा ही होता। तो समझ में नहीं आया कि लोगों की लाइक मैं गलत सीख रहा हूँ या क्या है। अभी समझ में आया कि लाइक इंडिकेटर्स खाली लगा के कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत और बहुत डीप में है चीजें इसमें। लाइक आपके क्लास अटेंड करने के बाद हर कोई समझ सकता है, सिर्फ इंडिकेटर्स लगा के कोई बफेट नहीं, लाइक इजीली इजी नहीं है, इजी नहीं है। मैंने आपको कोई इंडिकेटर का गेम दिखाया, प्योर प्राइस एक्शन था? नहीं, प्योर प्राइस एक्शन। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग क्लास, वंडरफुल क्लास। थैंक यू नवीन जी। एनीवन? हेलो, यस सर। हाँ सर, या चेतन है सर, बोलिए। एक चीज बोल सकता हूँ सर, जो आपने प्रॉमिस किया वो एग्जैक्टली डिलीवर किया। थैंक यू। जैसा जो आफ्टर कंप्लीटिंग मैंने 10th डे 11th डे के बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी, तो जैसा आपने जो स्ट्रेटजीज बताया उससे पहले स्टार्ट कर सकते हैं छोटा छोटा, एंड देन जो भी हम क्लास में टेक्निकल सीखे थे वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। परफेक्ट। तो यू आपके क्लास में एवरीवन विल गेट देयर पीस, मतलब अगर जो बहुत एक्सपीरियंस है उनके लिए तो आप टेक्निकल सीखा है, एंड देन जो छोटे छोटे स्टार्ट करने वाले हैं तो स्ट्रेटजीज भी रेडीमेड अपने दे दिया, बट जो स्ट्रेटजीज है इट्स ऑल अबाउट from your own experience, जो आपको दे दे, like whatever I have experience, I am giving you. तो सर practical experience लगा आपको कि ये वाकई में real trading का practical experience दिया? हाँ, definitely मतलब definitely आप मैं confidence है कि आप real trader हो, आपने setup भी दिखाया, trade ये भी दिखाया, so whatever we are learning, so immediately वो conviction आता है कि आपसे जो आप जो भी बोल रहे हो it's like it will work like mantra. और जो आपका स्पेशलिटी है आपका लैंग्वेज भी, जैसा आपने आत्मा घुसाया, आई थिंक आई विल नेवर लाइक फुटलंगा रे। ओके, थैंक यू। और जो फ्यू लाइक यू नो बाय एट लो एंड सेल एट टॉप, ये तो नॉर्मल है, सभी बोलते हैं, बट एग्जैक्टली जब चार्ट पे आप लाइन ड्रॉ करके कैन वी सी इट, इट्स रियली डिफरेंट। सो अभी एक है कि वी हैव कंप्लीटेड पूरा एक कोर्स कंप्लीट किया एंड इट्स लाइक वी आर रेडी फॉर एक्शन, इतना कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली है। थैंक यू सर, वेरी वंडरफुल। एंड वन मोर थिंग व्हाट वी सी इज लाइक यू आर रियली यू वांटेड हूएवर कम्स टू यू यू वांटेड देम टू लर्न। परफेक्ट। लाइक मतलब हुक और क्रूक, मतलब आप कोर्स भी करते हो बट दैट्स द ज़ील यू हैव इन टीचिंग। तो मतलब जो मैं बोलता हूँ भैया सीख लो तो वाकई में फायदा हो रहा है आप लोग, है ना? जैसा आपने प्रॉफिट्स देखा, ये जो अभी 10 क्लास में आप जितना भी आता, मे बी 1 डे और 2 डेज में आपको आता है, आप इतना करने का आई मीन देयर इज नो रीजन फॉर यू टू डू इट अनलेस यू रियली वांट दिस नॉलेज टू यू नो शेयर। थैंक यू सो मच, आई फेल्ट पर्सनली। मजा आ गया सर, वाह बहुत अच्छा फीडबैक था, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एनीवन? सर मैं डॉक्टर अजय। जी अजय जी। या मैं तो अभी स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूँ। ओह वाओ, ओके। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं 10 दिन से ही हूँ।
वंडरफुल। क्योंकि काफी मतलब जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए। मतलब 20 साल की तपस्या फाइनली 10 दिन में कंप्लीट हुआ। जी थैंक यू भाई। आपने जो उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी बताई ना, तो हाँ जी हमेशा ये सोचता था कि उल्टा करना चाहिए। ओके। हाँ लॉस क्यों होता है, एनालिसिस तो बहुत किया जी लेकिन उसका रीजन नहीं मिल रहा था। जी और शायद गुरु की कमी थी। ओके। थैंक यू सो मच। आपने पढ़ा होगा सर, जब आपका बैच में जब मैं अपने टेलीग्राम में प्रमोशन डाल रहा था कि भैया सीख लो, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी। मैंने क्लियर कट बताया था कि भैया हर किसी ने, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, चाहे जो भी बैट्समैन है, प्लेयर है, किसी भी फील्ड में, उसका एक ना एक गुरु है। कोई ना कोई उसका गुरु है जिसने उसको बेड़ा पार कराया सर। अब महाभारत में मैं बोलूं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के गुरु थे, ठीक है? तो हर कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाओ सर, आप कोई भी अच्छा बैट्समैन जो क्रिकेटर हो, बैडमिंटन का हो, उसका एक गुरु है सर। प्लीज गाइस, जो भी फ्रेशर हैं, ये मत सोचो मैं खुद कर लूंगा, किसी ना किसी के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा, किसी के अंडर में जाना पड़ेगा। जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी मानते हो सच्चे दिल से, उसके पास जाइए, सीखिए, उसको रिक्वेस्ट करिए सर प्लीज मुझे सिखाइए। जो वो देगा ना, वो अपना प्रैक्टिकल चीज आपको देगा। गुरु बनाना ही पड़ेगा, और वही चीज आज सर ने बोला। थैंक यू सो मच सर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप क्योंकि एक्सपीरियंस हो 20 साल वाले सर, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और भी सेशन अटेंड किए होंगे, मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, बट अगर मैं रेटिंग की बात करूं कि उनका सेशन और मेरे सेशन में मतलब क्या डिफरेंस था और क्या लगा हुआ कुछ था? और जो मैं बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी किताब में ना किसी यूट्यूब में मिलेगा, वो जस्टिफाइबल है? बिल्कुल जस्टिफाइबल है। मैंने मेरे पास काफी बुक्स है, जी काफी बुक पढ़े हैं। तो मैं पहले दिन बोला था कि आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी अनलर्निंग करना पड़ेगा। जी मेरे ख्याल से आपके भाषा में बोलूँ तो भेजा मुझे कचरा भरा है वो निकालना पड़ेगा। तो वैसा हुआ। ओके करेक्ट। और दूसरी बात मुझे ऐसी लगी कि आपने ये सेशन की जो फीस रखे हैं वो काफी कम रखे हैं, अरे वाह सर। क्वालिटी इज वे हाई। ओके। नहीं नहीं सर, एक्चुअली थैंक यू सो मच, इट्स रियली मेरा ग्रेटफुल। पर्सनल मैं फीलिंग बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी इसके पहले मैंने काफी कुछ क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, हाँ हाँ खाली एक मेंटर के पास गया ओके ओके। था। उससे मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, मैं ऐड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका सिखाने का तरीका भी अलग है। और अभी तक जो सुनता था, सुन रहे थे सब लोग, सुन रहे थे मतलब बाय हाय सेल हायर, तो हाँ। ये गलती कर रहे हैं ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने कैसे सुधार करे वो पता नहीं चल रहा था। परफेक्ट परफेक्ट। तो फाइनली सर, आउट ऑफ तो 10 कितने मार्क्स अरे दोगे? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहोगे सर? अरे बाप रे। अरे सर थैंक यू। नहीं सर, मैं भी एक छोटा सा लर्नर हूँ, और जितनी मैंने सीखने की कोशिश करी उसमें से आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, तो आई एम ऑल्सो स्टिल लर्नर सर। 100% कोई नहीं हो सकता, सिर्फ एक है भगवान है, और उनके बराबर कोई नहीं है सर। हम भी सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, और इट्स रियली वंडरफुल फॉर मी सर। अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सर, एक अपने आप में ना एक एनर्जी आती है मेरे को जब इस तरह के मैं फीडबैक्स देखता हूँ ना, कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर वाकई में मेरे पास आने के बाद, और मैं कुछ उसको डिफरेंट दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक चैलेंज है कि आपके पास इतना नॉलेज है ना कहीं तो मैं डिफीट होऊंगा ना, तो मेरे पास ये, मैं खुद उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और जब वो चैलेंज के साथ आपको कुछ डिलीवर देने की कोशिश करता हूँ ना, और फिर जब सामने वाला बोलता हाँ यार ये कुछ अलग था, दिस इज माई मोटिवेशन सर, दिस इज माई एक्चुअली मोटिवेशन। और आप लोग जो बोलते हो ना कि सर इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो रात के 12 बजे तक, सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप हो एनर्जी आती है, आप डल मैं भी डल, यही मेरा कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल सी बात। जी सुबोध जी जी मैं फौज में हूँ, और मेरा प्रोटीन शेड्यूल जो है बहुत
एक्सपीरियंस था और उनके बीच में भी मैं जब से आपका क्लास ज्वाइन कि मैं डेली चार्ट कर सकता हूँ अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मैं लगता है कि मैं बिना किसी के धोखे ना हुए मैं खुद से ट्रेड ले सकता हूँ। मैं अब मार्केट को जानने लगा, मार्केट को अब और भी करीब से देखने लगा हूँ उस केवल और केवल आप के बदौलत। आप किंग सच हो गए, आप नाम के नहीं काम के गुण और व्यक्तित्व के व्यू यथा नाम यथा गुण। मैं आपके माध्यम से अपने क्लास के सभी मेंबर को यह बताना चाहता हूँ कि मुझे साउथ करने ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवाया है, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किंग बरप्पन है और इनका महान व्यक्तित्व क्या बात है। अब मुझे मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंट आ रहा है बहुत अच्छा। इसके लिए साउथ सर को दिल से ग्रैंड सैल्यूट। अरे सर सुबोध जी आप मत करिए, हम पूरी दुनिया, आप फौजी हो सर, फौजी हो आप, आपके वजह से हम लोग हैं। सिंपल, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, हमारा ना देश नहीं। तो सर एक ग्रैंड सल्यूट हम सब की तरफ से आपके लिए है। तो आप इतने बड़े लेवल पे हो ना सर, हम लोग चीटी हैं आपके सामने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है। और रह गया हमारा जो रिश्ता है सर, अगर उससे अलग बात करूं, आपने मुझे गुरु बना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे पास ये एक इम्पॉर्टेंट वो था कि वाकई में जो आपने मेरे को सोचा समझा कि यार वाकई में इनके पास जाता हूँ और सीखने का, जो आपने फ़ोन किया बात करी, दैट इज़ मोस्ट, जो मतलब क्रेज़ दिखाया ना मेरे लिए कि सर मुझे सीखना है तो सिर्फ आपसे सीखना है, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इतने टाइम से, तो वो सर मेरे लिए एक अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। पैसा लाइफ में अचीवमेंट नहीं होता सर, जो इज्जत होती है ना, जो आपके अंदर ये चीज़ आई, दैट इज़ अचीवमेंट। और आपका जो फौजी हो वो आप बाय डिफॉल्ट वो आपका अचीवमेंट है, तो उसके लिए ग्रैंड सल्यूट है सर। आप नहीं, आपको हमारी तरफ से सबका सल्यूट। थैंक यू सुबोध जी, धन्यवाद। थैंक यू सर जी। जी हेलो, हेलो जी सर। जी हाँ सर, मेरा नाम अमर शिंदे, मैं मुंबई से हूँ। जी शिंदे सर, तो मैंने तो काफी सारे क्लासेस किए हैं पहले भी 3 साल में। ओके, मैंने एक्चुअली सर के लिए 1 महीना वेट किया कि मेरा ये वैसे भी लास्ट क्लास था, अगर ये नहीं करता था तो मैं शायद शेयर मार्केट गिव अप भी कर रहा था। तो कुछ सर के वीडियोस देखे जो खुद करते हैं, खुद डालते भी हैं ट्रेड, तो मेरे लाइफ में तो एक आप फर्स्ट पर्सन हो कि जो बंदा प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है और जो स्ट्रेटेजी खुद करता है जिसपे ट्रेड वो देना चाहता है लोगों को। तो उसके वजह से मैंने क्लास ज्वाइन किया था। इससे पहले मुझे अभी जो सर ने सिखाया उसमें से 90% तो मुझे भी मालूम था, जैसे जो बेसिक था। बट मेरा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे सर ने, किसी ने अभी तक तो बात बोली नहीं है कि फोकस एंड बिलीव, मतलब अगर आपने अभी सर ने स्ट्रेटजी दी है बट इसमें से भी ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 80% ऐसे लोग निकलेंगे, 4-5 जाएंगे तो शायद छोड़ देंगे या तो बोलेंगे ये भी नहीं होगा। तो मेरे लाइफ में शायद वो मिसिंग था कि अब मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 15-20 भी ट्रेड अगर फेल हो जाते हैं अगर प्रॉपर इसमें तो भी मुझे छोड़ना नहीं है मार्केट। तो सर ने जो पहले यही बोला था कि बिलीव करना है कि ये चलेगा करके, कि नॉर्मली मेरा ऐसा खुद का हो रहा था कि 4-5 फेल हो जाते तो लाइक गिव अप कर देता था। और उसने उसमें सर ने कुछ ट्रेड भी करते हैं उसी स्टेज, तो अभी मुझ में तो वो कॉन्फिडेंस आ गया और बाकी रिस्क रिवॉर्ड भी तो मेंटेन करना है। तो मेरे लिए तो ये सब क्लासेस की स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी बात है, बट सबसे बड़ी बात है कि गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ताकि 5-10 ट्रेड गलत भी हुए खुद को बिलीव करना है और ट्रेड करना है। इमोशंस, तो इमोशंस राइट। और याद है मैंने आपको क्या बोला था सर, याद है मैंने आपको क्या बोला था, इमोशन सबसे पहला। मैं बार बार क्या बोल रहा था, चौके छक्के बाद में लगाएंगे, पहले विकेट बचाना है। जिस दिन विकेट बचाना सीख गया रन अपने आप आ जाएंगे। सिमिलरली जिस दिन इमोशंस पे काम कर लिया, क्योंकि इमोशन इंसान को मारता है सर। अब इमोशन कैसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इमोशन है, जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सबके अंदर इमोशन है। जो इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वो पैसा बना जाएगा, जो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया वो पैसा
लूज कर जाएगा, चाहे कितनी पावरफुल उसकी स्ट्रेटेजी हो। सिंपल, तो बिलीव करो सर। अब बिलीव कैसे आएगा कि छोटा एसएल बड़ा टारगेट, छोटा एसएल बड़ा टारगेट, कि अगर 10 में से 5 में भी एसएल गए, 5 में भी टारगेट आए तो बड़ा आएगा। जाने को 1000 रुपए, आने को 10000 रुपए। अब कैलकुलेट खुद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था, करेक्ट सिंधे जी? जी हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो मुझे तो मैंने पिछले 4-5 दिनों से एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा बंद पड़ा, मोबाइल से भी देख रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी आ रहे हैं, 2-4 चार्ट भी आपको भेजे थे जी। तो लाइक आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि आई कैन डू इट। तो मेन एक्चुअली जो यूएसपी है कि आप खुद करते हो ट्रेड, लाइक मैंने किए है लोगों के सेशन जिसमें 5000 में किया, किसी का 10000 में भी किया है। मैंने शेयर खान में तो 1 लाख रुपए भर के किया था। तो पता है लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है कि यार खुद करता है क्या, नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों को जैसे आप बोलते हो ना ज्ञानबाजी करना, वो तो मैं कर देता हूँ। लेकिन इतना हिम्मत जो बंदा खुद कर रहा है, खुद इमोशन से जा रहा है, अगर वो बंदा खुद दूसरे को देना चाहता है तो उससे बढ़िया मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं मिल सकता है। और इस क्लास में आपसे मिला है सर, इस क्लास में जो दिया वो लगा कि यार वाकई में पूरा दिया? जी हाँ सर, मुझे तो लगा। आई डोंट नो दूसरे का मैं बोल नहीं सकता, बट मैंने जितना फॉलो किया आपको तो आपने तो 110% दिया। और अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना था तो मैं ये क्लास तो 2-4 दिन में खत्म करके चल देता। लेकिन आपको सच में लोगों को सिखाना है तो इसीलिए आपने 10 दिन का क्लास, मेरे ख्याल से अभी 13-14 दिन हो गया, रात को 12 बजे तक भी पढ़ा है 1 घंटे का बोल के। अगर होमवर्क उतना देना कोई जरूरत नहीं रहता है, लोग तो होमवर्क के नाम पे बस आप करके आ जाओ, कोई भी सिंपल सा बोल सकता है यूट्यूब पे देख लो आ जाओ। लेकिन आपने होमवर्क दिया, उसको लोगों के डाउट क्लियरिफाई किए, टाइम नहीं देखा, तो दैट इज गुड एक्चुअली, दूसरों से काफी अलग है। और वो बहुत कब जेन्युइन है आप, मॉरल ऑफ द स्टोरी आप जेन्युइन है, आप सिखाना चाहते हो, दैट इज गुड सर। हम लोगों के लिए तो काफी अच्छा है, मेरे लिए तो काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच शिंदे जी, थैंक यू सो मच। हेलो, और कोई? हाँ सर, एक बात बोल दूं मैं? हाँ जी बोलिए सर। बोलिए सर। सर मैं शादाब। हाँ शादाब जी बोलिए। हाँ सर, मैं टीम को जो मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं सर का अप्रैल के ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, एंड जो सर बताते हैं हमेशा कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा, आई एम एन लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। मेरा कुछ कंफ्यूजन्स थे मल्टी कन्फर्मेशन को लेकर, जिसके लिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आप इस ग्रुप में शामिल करिए, एंड पिछले 3 दिन से मैं आपके साथ ग्रुप में शामिल हूँ। एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने हमेशा नुकसान ही हुआ है ट्रेडिंग से। बट सिंस अप्रैल 2019 की मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद जब मैंने सर का सेशन अटेंड किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब से आई हैव नॉट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 500 रुपीज ऑल्सो, 500 रुपए का भी लॉस मुझे किसी भी दिन नहीं हुआ। एंड मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट जो है इंट्राडे प्रॉफिट आज कमाया है। इससे पहले मैंने 8 जुलाई को जिसका मैंने एमटीएम शेयर भी किया था सर के साथ, वो था 1,15,000 रुपए का। एंड आज मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि आज मैंने प्रॉफिट कमाया 1,83,000 का। वाह सर, मैंने आपको वेरी नाइस nice, मैंने आपको मार्जिन जी सर, मैंने ट्रेड क्या दिया था, मैंने सर आपको मार्जिन में उसका चार्ट भी भेजा था, इट वाज अ चार्ट ऑफ आरईसी सर। मैंने कल शाम को जब मल्टी कंफर्मेशन हमने पढ़ा, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था, उसमें उल्टा पुल्टा स्ट्रेटजी भी वर्क किया। उसमें सर आरईसी एक मेजर सपोर्ट था जिस पर उसने बाउंस बैक किया। मैंने सर ट्रेड लिया, आरईसी नीचे टूटा, आज सुबह गैप डाउन खुला 134.50 के आसपास। उसके बाद मैंने ट्रेड किया 135.50 पर, एंड मैंने एग्जिट किया 141.20 पर। एंड ये कोई 6 रुपए 10 पैसे का प्रॉफिट था। एंड सर मैंने बिकॉज मल्टीपल परमिशन ली थी मैंने और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो मैंने जो लॉट्स लिए थे वो 5 लिए थे जी। तो 6 रुपए ये 5 लॉट्स का जो साइज था वो था अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6 रुपीज एंड 10 पैसा, इट वाज 1,83,000। क्या बात है सर। देखो सर, मैं हूँ अगर गुरु माना तो सर मेरी तो एक ही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, एक ही चीज चाहिए मुझे कि सर प्रमाण पत्र। अगर आप कमा रहे हो प्लीज प्रमाण पत्र। आप लोगों से भी जो भी नए हैं वो लोग भी, मैं रिक्वेस्ट है सर कि जैसे
सर मैं स्क्रीनशॉट पता है क्यों शेयर करता हूँ, उसके पीछे रीजन है, उससे पीछे में ये रीजन है क्योंकि आपका जब स्क्रीनशॉट दूसरे के पास जाता है और मैं लिखता हूँ ना ये फीडबैक और नाम के साथ जब जाता है रियल नाम के साथ, कोई मैं हाइड नहीं करता हूँ, तो जब मैं वहाँ शेयर करता हूँ तो लोग जो बेचारे डरे हुए हैं सहमे हुए हैं नहीं कमा पा रहे, उनको एक मोटिवेट हो सके कि यार देखो कमा रहे हैं लोग, गाइज वो लोग भी नहीं कमा पा रहे थे, अब वो लोग कमाने की जो 5% थे एटलीस्ट दो लोग तो ऐड हुए 5% कमाने की जनता में, तो ये मेरा पर्पज है वहां पे दिखाने का, तो ये मेरा एक प्रमाण पत्र भी होता है, मेरे को खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट कमा रहा है ना सर, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है, अरे वाह चलो फाइनली 10-20 बच्चों का या 35 बच्चों का स्टूडेंट का बैच था उसमें से 10 लोग भी कमा रहे तो मैं सक्सेसफुल समझता हूँ कि चलो 10 लोगों की लाइफ तो सुधरी, जो लोग बेचारे लॉस कर रहे थे नाउ ही इज इन प्रॉफिट, मे बी छोटा बड़ा वो बात की बात है, इंपॉर्टेंट इज नाउ द स्टूडेंट्स आर इन प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल पार्ट फॉर मी, थैंक यू शादाब जी, वंडरफुल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो, लेकिन प्रमाण पत्र जरूर दीजिए सर, है ना शादाब, यस यस मैं डेफिनेटली दूंगा सर, मैंने आपको 8 जुलाई का भी दिया था जिस दिन 1,15,000 का प्रॉफिट हुआ, जी जी देखा था, रियली शेयरिंग सर, परसों भी मैंने दिया था आपको, उस दिन मेरा एमटीएम 10,000 था, एंड मैं सर एक बात और बताऊंगा, आज की डेट में मुझे लगता है इतना कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर आपके क्लास अटेंड करने के बाद, दैट कि मैं अगर बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आपके साथ इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि वो रोगों का मेरे मुझे आप रोगों में इसमें कर लीजिए ऐड कर लीजिए, बिकॉज मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो ऐसा ही है कि दैट मैं मॉर्निंग में जल्दी आप निकलता हूँ और शाम को 3:30-4 बजे के बाद ही मैं फ्री होता हूँ, एंड सर दूसरी बात मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था जो मुझे बोलना है उस पर मैं 2 मिनट दूंगा सर, आज की डेट में मुझे सर लगता है आपका क्लास अटेंड करने के बाद दैट कि मैं जिस दिन मुझे टाइम मिलता है 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का सर, मुझे उस दिन में उस टाइम की गैप में मैं कॉन्फिडेंटली 5,000-10,000 तो मिनिमम कमा ही लेता हूँ, वेरी नाइस सर, 10,000 बहुत जो भी मैं 4-5 स्टॉक्स चुन लेता हूँ जिन पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, एंड समटाइम्स एक ही स्टॉक में 5 मिनट में, जैसे मैंने परसों मॉर्निंग में मैंने आपको भेजा था वो मंडे का एम्प्लॉय भेजा था मैंने 10,000, मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए थे उस दिन, इट वॉज इन एस्कॉट्स एंड REC, एंड 10,700 का एम्प्लॉय हुआ, 15 मिनट मुझे मेरे पास टाइम था, मैंने मोबाइल पर ही ट्रेड लिया, 15 मिनट में एग्जिट किया और आपको एम्प्लॉय मिली, तो इम्पोर्टेंट बच्चों की तरह पूरे दिन सिस्टम पे बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब जागो तब सवेरा बैठा ट्रेड लिया 2-5-10-15 मिनट 1 घंटे में पैसा बनाया, एंजॉय फैमिली के साथ, काम पे लग जाओ अपने जो आप काम करते हो, जी जी एंड सर एक और चीज वो है कि जो आप बोलते हैं ट्रेंड बिगिनिंग ऑफ द सेशन में आपने बोला था दैट यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट आई हैव लर्न्ड कि मुझे लगा कि अब 10,000 आ रहा है तो आई विल समटाइम्स व्हाट हैपेंस जो मेरे साथ पहले होता था जो मैंने आपकी क्लास अटेंड करने से पहला देखा था ट्रेडिंग करता था मैं, मान लीजिए मैंने सर सुबह ट्रेड किए 2-4 ट्रेड किए एंड मुझे प्रॉफिट होता था 30,000 का, 30,000 प्रॉफिट होता था, मैं सोचता था और आ जाएगा एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पर मैंने बहुत दिन ऐसे भी क्लोज किए हैं जब मैंने मेरा मॉर्निंग में प्रॉफिट था 30,000 और इवनिंग में मैंने डे क्लोज किया 50,000 रुपए लॉस दी, because I was not, there was no direction, no direction. कहाँ पर ट्रेड लेने, कितना स्टॉप लॉस रखना है, किस तरह से स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरह से रखना है, वो सारी चीजें थी, it was a direction less trade. But now आज की डेट में मैं जो आपने कल भी बताया सबको कि रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ एंड टारगेट कम से कम मेरा 7-8 रुपीज 10 रुपीज का होता है एंड most of the times I get, and यहाँ पर जो आप बोलते हो दूसरी बात जो आपने बोला कि loss book करना सीखो वो that is more important, that is very very important, and कभी मुझे लगता है कि मान लीजिए मैंने कभी trade लिया किसी stock का जहाँ पर मुझे मैंने trade लिया 640 रुपए पर और वो 635 रुपए मैंने stop loss रखा था, stop loss hit हो जाता है लेकिन उसके जो ही मेरा stop loss hit हो जाता है तो उसके बाद वो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चला जाता है तो उससे क्या होता है कि कभी कभी रिग्रेट भी होता है मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम नीचे क्यों नहीं रखा, इसने वहां से ट्रेड वापस अपवर्ड ट्रेंड ले लिया एंड वहां पर कभी दूसरे दिन सर हम जब दूसरी बार ट्रेड लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है, हम बोलते हैं ये नीचे चला गया और फिर से वापस आएगा, बट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम
अटेंडिंग यूर सेशन. वेरी नाइस. जब से मैंने स्टॉप लॉस रखा है मेरा मिनिमम लॉस, मैंने आपको बोला कि मैंने लॉस बुक ही नहीं किया. 500 रुपए कभी मेरा लॉस हुआ है, उससे ज्यादा मेरा लॉस कभी हुआ ही नहीं. बिकॉज मैं ट्रेड्स देता हूँ आपकी तरह, जिस तरह से आप एडवाइस करते हो ट्रेनिंग के द्वारा उसी तरह से. एंड इट इज एवरीथिंग, क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग गोज टू यू. एंड मैं आज की डेट में जी ये बोलना चाहता हूँ सर कि ईस्ट और वेस्ट साहू सर इज बेस्ट. एंड सर मैं, मुझे लगता है कि आई हैव वेस्टेड माई 10-15 ईयर्स. मैं सर मैंने काम करना स्टार्ट किया 2007 से. एंड 2009 से आई बिलीव दैट मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. एंड तब से मैंने लॉस ही करता आया हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो अगर हम लाइफ को वापस लेकर जाते तो मुझे लगता है कि काश मैं आपसे 2009 में मिला होता. टुडे द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट. थैंक यू सो मच सर. इतनी सारी, अरे सर आज दिल भर दिया आपने, मज़ा आ गया. अच्छी मतलब मस्त नींद आएगी सर. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एंड वेरी काइंड फीडबैक सर. मज़ा आ गया और रियली इट्स मोटिवेशनल टू अदर्स ऑल्सो. बाकी लोगों को सुनकर भी लगा होगा यार वाकई में, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट्स हो, दो महीना आपको हो गया प्रैक्टिस करते करते. और नाउ फाइनली जो मैंने बताया, छोटे स्टॉप लॉस दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. जब बड़ा आएगा तब बड़ा लेना है. तो छोटे के लिए काम नहीं करना, बड़े के लिए काम करना. छोटा सिर्फ दो, एक दो 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 स्टॉप लॉस, 3-4-5 नो प्रॉब्लम. जब एक ही आएगा तो सर ने जैसे बताया 1,83,000 रुपीस का प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा. और आपको भी स्टोरी बताई है कब एक लॉट पे करना है, कब दो लॉट पे करना है, कब चार लॉट पे करना है, क्लियर कट बताया है. वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं और वही वंडरफुल रिटर्न. थैंक यू सो मच सर आज जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. या कोई और सर? जल्दी जल्दी करेंगे सर, 11:38 हो गए. एनी वन? सर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ. जी जो मैंने बताया, आपने पूछा कि शिंदे जी को पूछा कि बुक में है, मैं बोलता हूँ कि बुक में नहीं है, तो आपको क्या लगा? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बुक में जो है उसको कब इम्पोर्टेंस देना है और कब नहीं देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे सीखने को मिली. परफेक्ट परफेक्ट. थैंक यू. दिस इज एक्चुअली जो समझ पाया, क्योंकि सर देखो बुक में ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक मैं लेके आया हूँ अपने घर से, ऐसा नहीं है कि जापानीज कैंडलस्टिक मैंने बनाई है. ना सर, मैंने भी वही चीज़ पढ़ी है जो आपने पढ़ी है, मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी है. ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किताबें पढ़ी, मैं सब करके देख चुका. मैं किताबें, इंडिकेटर, जो आपने किया है सर उससे ज़्यादा मैं सब कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है स्टॉक मार्केट. सब करके देख चुका हूँ, लेकिन लास्ट में जो पैसा बनाने का मंत्र समझ में, अगेन मैंने भी किसी को गुरु बनाया, उससे मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया, इंस्टेड ऑफ 10 जगह धक्के खाने से अच्छा है एक जगह 10 बार धक्के खा लो, वो अपने आप चीज़ आपकी हो जाएगी. तो वही चीज़ ओवरऑल एक बेसिक, जितना सिंपल स्ट्रैटेजी होगी, जितना सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, वही पैसा बना के देगा. जितनी चीजें आप जोड़ दोगे ना सर, उतने 10 तरह के माइंड आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो एक चीज बोलेगा भाई, एक दूसरा बोलेगा सेल, तीसरा बोलेगा भाई, चौथा बोलेगा सेल. जितना सिंपल उतना सिंपल एंड शोबर. और किताब में आपको ये बताया कि हेड एंड शोल्डर होता क्या है, मैं भी वही बता रहा हूं, बट उस पर कैसे प्रैक्टिकल काम करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. That is most important part. और कब डबल कंफर्मेशन के साथ मिलेगा, जो मैंने आपको बताई एक दुनिया सीक्रेट, एक लाइन बताई ना बीचों बीच जो खींचते हैं, नाम मत बताना, एक जो बीचों बीच खींचते हैं तो दोबारा उस पर कैसे टच होती है और कैसे वहां पर डबल कंफर्मेशन मिलता है, वो इंपॉर्टेंट. वो कहीं नहीं मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा. ये चीज मैं कहना चाह रहा था. थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर नोटिस दिस पर्टिकुलर पॉइंट. थैंक यू सो मच, रियली लोगों को हेल्प होगा. और कोई स्टूडेंट? सर जी. अभय जी. हाँ सर, मैं स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा था और उसमें कमा भी रहा था जी. ट्रेडिंग में एक दो बार किया था, कभी कमाया और एक बड़ा लॉस किया था उसमें. ओके. तो आज भी मेरे पास बैठा हुआ है. हम्म. वो कंपनी का नाम है यूनिटेक. अरे बाप रे सर. सो सलाह दूं, ट्रेडिंग बंद कर दिया था. हाँ. उस टाइम से ही सोच रहा था कि कहीं पे जाके पहले सीखेंगे. हाँ जी. उसके बाद में आगे ट्रेडिंग करूंगा करके. ओके. और तभी
कहाँ पे सीखना, क्या करना करके ऐसे ही ढूंढना शुरू किया। और अगर शायद आपको याद रहेगी तो मैंने भी आपको बोला भी रहूंगा कि अगर आप चेन्नई आ रहे हैं तो लाइव क्लास में आपके साथ मैं साथ में सीखने का मन है जी, रादर देन ये लेबेक्स। जी जी, अच्छा अच्छा अभय जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पॉइंट पे अब आपको समझ में आया कि ऑनलाइन में क्या खासियत होती है और ऑफलाइन में क्या खासियत होती है? हाँ, ऑनलाइन में पूरा होने के बाद में अपना भी देख के एनालाइज करें, जैसे वो बैक टेस्टिंग जो अपन किए थे उसके हिसाब से अभी अपन पूरा टेस्टिंग कर रहे हैं और जो सीखे हैं वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि exactly. हाँ, जो सीखा है वो क्लियरली, जैसे आप अभी वो लाइन बताए थे जहाँ पे हिट होता है और फिर वहीं पे थोड़ा देर घूमता है और फिर से ऊपर दौड़ता है। एग्जैक्टली exactly. यानी कि होमवर्क जो आपको डेली पढ़ाता हूँ, आप अगले दिन वो मार्केट में, लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो और वो मेरे से अगले दिन क्वेश्चन आंसर करते हो और उसका मैं आपको आंसर देता हूँ, ये सही है ये गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे आपको डेली बेसिस पे एक ही चीज, कम से कम नहीं तो 100 चार्ट हमने डेली पढ़े होंगे जरूर। अब जब इनफैक्ट होमवर का कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा लगा। एग्जैक्ट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी अपन कहीं पे भी जाते हैं स्कूल कॉलेज, वहां तक होमवर्क को Rather than college, school तक तो homework को ठीक तरीके से follow करते हैं, उसके बाद में ठीक है चलता है, सब चलता है। चलता है, हाँ। तो सर, लेकिन यहाँ offline... से आप जोर देके सबसे होमवर्क करवाते थे, हाँ जी, कि करके आओ, गलती होगी तभी सीखोगे, हाँ जी, उससे सीख लेना, फिर से वो दोबारा वो गलती ना करना, वो सीखेंगे अपन करके, जो आप जो कॉन्फिडेंस देते थे जी और जो पैशन से आप सिखाते थे जी, उस एक पॉइंट के लिए ही होमवर्क करने का मन भी आ जाता था और होमवर्क करके आते थे, होमवर्क करके आते थे। असर यही खासियत है। देखो अभी मैं वहां पे आता ना, दो दिन आपको जो सिखाता आपको सब समझ में आता, लेकिन अब समझ में आया कि आज जो मैं सिखा रहा था वो कैसे मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा था, और जब आप डाउट अगले दिन पूछते हो तो कैसे क्लियर होते। और 100 चार्ट हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो बार बार वही चीज 100 चार्ट देखे तो रट जाता था कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये खासियत है। इसलिए मैंने आपको बोला था सर नो प्रॉब्लम, वहां पे आएंगे, वो अलग सेशन होता है लाइव का, क्योंकि मैं इंटरेस्ट करता हूँ लाइव सेशन में कि लाइव ट्रेड आपको करके दिखा सकूं कि भैया देखो बड़े स्क्रीन में आपको लाइव ट्रेड दिखा रहे हैं और साथ में सिखा रहे हैं, उसका अलग मजा आता है। नहीं तो पूरी दुनिया सैटरडे संडे आती है, ज्ञानबाजी देती है और चले जाती है। हम बात कर रहे हैं लाइव ट्रेड की, कि आपको लाइव ट्रेड के साथ सिखाएंगे, मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है, तब मुझे मजा आता है उसमें। और एक दिन जब आप गुस्सा हुए थे, हाँ, टेम्पररी मरीज था, उस टाइम पे जो जवाब दे रहे थे वो मुझे काफी अच्छा लगा जी, क्या मार भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी मार रहे थे, वो सरकास्म बहुत अच्छा लगा। ओके नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन हो जाता है ऐसा कभी कभी, हम भी इंसान है सर, है ना। थैंक यू सो मच सर, जरूर। एनीवन, और कोई और सुनो, अगर जिसका थोड़ा और मतलब जो एक्टिव ट्रेडर है उनके लिए कुछ और प्लान भी है मेरे पास, आई हैव सो मेनी प्लान सर, जो एक्टिव जो डेली ट्रेड कर रहे हैं ना, जो प्रोफेशन बिल्कुल फुल टाइम ट्रेडर है जिनका और कुछ काम नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, आई हैव सम प्लान, गुड प्लान फॉर देम ऑल्सो। वो मेरे साथ एक ग्रुप में बैठ के मैं उनको लाइव कॉल बताऊंगा, इसको देखो उसको देखो, साथ में हम लोग ट्रेड करेंगे, मेरा कुछ ऐसा भी प्लान है कि आप ही लोगों में से 10 लोगों को निकालना है और उनको फुल टाइम ट्रेडर बनाऊंगा सर, मुझे भी तो टीम चाहिए ना, मैं अकेला कितना काम करूंगा, तो आप लोग अगर मेरा पैसा आप भी कमा रहे हो आप भी खुश, और दो काम मैं आपसे भी निकाल लूंगा तो मैं भी खुश, ठीक है सर, वो भी है, वो भी कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है, तो वो पीपीटी का तैयारी कर रहा हूं मैं आपको, श्योर अभी भेज देता हूँ, रिवीजन करिए अच्छे रहेगा, दो तीन 100% सर, नो वरी, दे बोला सर तो दूंगा, कब सर, कल मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में देता हूँ, ठीक है सर, कल करेंगे सर, डन, थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सर, एनीवन, कोई और, नो, हाँ संतोष जी बोलिए, हेलो, यस संतोष जी प्लीज, हाँ सर, मैं तो 2005 से मार्केट में हूँ, सर कहाँ छुपे हुए थे, इतने तो, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर कहाँ छुपे बैठे हुए थे अभी तक, बोल ही नहीं रहे थे। एक्चुअली आई एम स्टॉक ब्रोकर, ओके ओके ग्रेट,
मेरा कहानी दूसरे के जैसे ही खिचड़ी वाला कहानी था। इधर जो सभी ने बोला पहले जो आप मुझे मिलते थे बहुत अच्छा था। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी होगी। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू करिएगा, होमवर्क करिए, चार्ट स्टिल मेरे साथ आप शेयर करिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे लेट कर दूंगा देने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखना पड़ता है, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। रिप्लाई नहीं दूँ तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे उंगली करते रहना, नो डाउट आपकी ये जिम्मेदारी है, मुझे अलर्ट करते रहना, मुझे बार बार पिंग करना, प्लीज अपडेट दे दीजिए। इस चीज़ का ना मैं बुरा मानूंगा ना आप बुरा मानेंगे, ये मत सोचिएगा ईगो पे चीज़ें लेके आओगे कुछ काम नहीं बनेगा। आपने अगर फॉलो करना है, अगर मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा, प्लीज़ मुझे अपडेट करिए, मैं आपको दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बट आपको थोड़ा सा मुझे बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा कि सर प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता, प्लीज़ नहीं सर बताओ, सर बताओ, सर बताओ, ये वाला एटीट्यूड रख के मैं डेफिनेटली दूंगा सर, नो वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, एंड ध्यान रखिए और लोगों को जागरूक करिए। खुद पहले सीखिए, पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है, उसके बाद लोगों को जागरूक करिए सीखने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और किसी का भी डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ सैटरडे को आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, उस दिन शट आउट कर लेंगे। उसके बाद भी 1 महीने बाद अगर फिर भी डाउट है, 1 महीने का फिर मैं एक और सेशन लूँगा जिससे कि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। हाँ, व्हाट्सएप पे करूँगा जी, ठीक है, जिससे लोगों को समझ में आए। लोगों के लिए ग्रुप बना के आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो क्या सर? जी अजय जी, मैं डेफिनेटली व्हाट्सएप नहीं, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की जगह पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ। सो दैट टेलीग्राम ग्रुप में क्या आएगा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट जो पुराने नए जो भी हैं आगे पीछे जो भी, सब के सब उसके अंदर जोड़ने का सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग आपस में भी कनेक्ट रह सको और आपको हेल्प भी हो सके उसमें। ठीक है, जरूर सर, डेफिनेटली बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू करियर। स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया बिजनेस है, 1 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा डिसिप्लिन पे दे दो, चार्ट मेरे साथ शेयर कर दो, रिजल्ट आपको मैं खुद दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।